राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 रेवाड़ी रोहतक मार्ग से लगते जीवड़ा गुड़ाना मार्ग पर टोल हटाने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, जिसे लेकर गांव चौकी नंबर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी के टोल पर उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और इसे हटवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे इन ग्रामीणों की माने तो प्रदेश भर में किसी भी गांव के सिंगल रोड पर कोई टोल नहीं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग से पटौदी जाने वाले जीवड़ा गुड़ाना मार्ग पर पीडब्ल्यूडी ने टोल लगाकर आसपास लगने वाले 11 गांवों की मुश्किलें बढ़ा दी। इतना ही नहीं, टोल से मात्र 2 किलोमीटर के ग्रामीणों को भी यहां टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि एकदम नाजायज है। इसे लेकर यह प्रशासनिक अधिकारी और कोसली विधायक को ज्ञापन दे चुके हैं, नाजायज तरीके से लगाए गए इस टोल को हटाकर ग्रामीणों को राहत दी जाए, लेकिन सिवाय आश्वासन के इन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब अगर इस टोल को नहीं हटाया गया तो ग्रामीण विधानसभा जाकर स्थानीय विधायक व मंत्रियों से मिलेंगे। सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे, सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, लक्ष्मण यादव, राव इंद्रजीत, विक्रम ठेकेदार। शायद ये पूरे हरियाणा में जो रोड गांव से लेके गांव को जोड़ता है उसमें पहला टोल टैक्स बीजेपी सरकार ने लगाने का काम किया है। यहाँ की लोकल जनता ट्रांसपोर्टरों को बहुत ही दुख है और बड़ी ही मैं मार्मिक बात कहता हूँ, यहाँ से यदि हम एक सर्कल लें तो 12-13 किलोमीटर का जो पॉइंट है उसके अंदर तीन तीन टोल टैक्स लगा दिए, जो कहीं भी हरियाणा के अंदर नहीं है। यदि हम कोसली से बहादुरगढ़ जाएं कोई टोल टैक्स नहीं लगता, जबकि दूरी उसकी 60-62 किलोमीटर पड़ती है। यदि हम कोसली से रोहतक जाएं या पालावास से रोहतक जाएं तो कोई टोल टैक्स नहीं पड़ता गांव के रोडों पे। यदि हम बिहानी जाएं तो भी गांव टू गांव रोडों के ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं है। सरकार ने सबसे पहले इस भोली भाली जनता का फायदा उठाते हुए यहाँ पे टोल टैक्स लगाने का काम किया है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। पब्लिक को तंग और दुखी करने का काम किया सरकार ने। मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस टोल टैक्स को हटाया जाए और पब्लिक को सुविधाजनक यहाँ सुविधा दी जाए। आप लोग आगे की सब हमारे यहाँ जो भी चारों तरफ से गांव हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो सभी मिलके एक दिन विधानसभा में जाएंगे, वहाँ लोकल मंत्रियों से मिलेंगे जो हमारे क्षेत्र के हैं, और सेंटर के मुख्य मंत्रियों से मिलेंगे और एक ही अनुरोध करेंगे, ये यहाँ की भोली भाली जनता के ऊपर एक बहुत ही कठोर प्रहार किया है जो जनता सहन नहीं करेगी। विजेंद्र कुमार है जी, क्या कहेंगे विजेंद्र जी? मैं ये कहूँगा जी, हमने कल भी 10 बजे से 5 बजे तक टोल फ्री कराया था और हम अनिश्चितकालीन तक जब तक धरना देंगे तब तक यहाँ से ये टोल हट नहीं जाएगा। यहाँ पे आम जनता को आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, इधर से उधर जाने में भी टोल देना पड़ रहा है। पालावास से सामान लेने के लिए जाते हैं तो भी टोल दे के जाते हैं। अगर नहीं हटाया गया तो हम यहाँ पे धरना रखेंगे जारी। विधायक के पास हम ज्ञापन लेके गए थे, झूठा आश्वासन देते हैं तो और कुछ नहीं होना जाना है। सीटीएम को भी ज्ञापन देकर आए थे, हम यहाँ पे आप जो भी कुछ करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, धरना देंगे यहाँ पे, यहीं पे बुलाएंगे सबको और यहाँ पे जब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पे समाधान नहीं हो जाता हमारा। सर हमारी तो कार्रवाई यही है, हम यहाँ पे धरना रखेंगे, हमारा ये खत्म नहीं होगा बिल्कुल जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक। और आसपास के जितने भी गांव हैं सबको यहीं पे इकट्ठा करके इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। यहाँ की जनता को नुकसान हो रहा है, यहाँ के स्कूल में जो बच्चे आते हैं सुबह सुबह यहाँ पे इतना भारी जाम लग जाता है जिससे बच्चों को स्कूल में पहुँचने वाले और दिल्ली के जो जाते हैं सर्विस पे वहाँ पे, और टोल टैक्स कहीं भी नहीं लगा हुआ है। सिर्फ ये पता नहीं सिंगल रोड पे यहाँ किस लिए गया है, क्या राजनीति कारण से लगाया गया है। बाकी आप हरियाणा में कहीं भी चल जाओ, कहीं पे भी छोटे रोडों पे टोल टैक्स नहीं है, जबकि झज्जर से बहादुरगढ़ रोड जाता है खूब 4 लाइन है, उस पर भी टोल टैक्स नहीं है। विधायक जी से हम ज्ञापन देकर थे और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, और हमारे विधायक जी ने कल उसमें विधानसभा में आवाज भी उठाई है और हमारी आवाज उठाई है, उसका अभी देखते हैं क्या होता है। तो विधायक जी पूरी कोशिश कर रहे हैं और शायद कह रहे थे कि हटवाया जाएगा।